मैंने बोला था ना वो गए इधर ही देखे तो मैंने भी पुलिस सायरन चलते ही गए वो पूरे के पूरे इस तरफ दो तो आवाज आ रही है कोई ना कोई है भाई बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो दिखे कैमरे दिखे भाई कैमरे में वो देखो दिख रहे कौन है कौन है भाई आवाज आ रही नीचे भाई पैर के पास नीचे कौन है वो छुप रहे हैं वो छुप रहे हैं वो कोई ना कोई है भाई छुप रहे हो देखो कौन है वो देखो एक बार से तरीके से भैया छुप रहे थे थोड़ा बड़ी कर लेंगे कोई ना कोई इंसान है भाई तो सबको नहीं गए देखो पैर के पीछे देखो छुप रहे हैं उधर भैया वो देखो आवाज देखो अरे कौन हो अरे तुम कौन हो भाई तस्कर है ये तस्कर है भाई 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 ध्यान फोन में ध्यान रखना भाई पीछे आवाज रखो डिस्टर्ब रहो उनको जाने दो उधर जा रहे हो बढ़ रहे उधर आगे बढ़ रहे कैमरे में आ रहा है हाँ भैया कौन है अरे आप जीतू भैया छोड़ दो नहीं तो मारे जाओगे आपको चारों तरफ से कानून ने घेर रखा है चुप हो गए देखो क्या नाम है भाई आवाज ऐसी देखी भाई को कैसे जानते हो भाई हमारा जीतू भाई हमारा वांटेड ब्लॉगर है वो हम उनको ढूंढ रहे हैं 10-15 दिन से आप जिस विनीत भाई को और जितेंद्र भाई को आपने किडनैप कर रखा है चुपचाप अपने आप को हवाले कर दो कानून के नहीं तो मारे जाओगे तुम कौन है भाई आवाज तो जाने से पहचान ही लगती है पत्थर हमारे हाथ में मार देंगे कौन है बता दे उसे कौन है बता दे कौन है ओ भाई मनोज भाई हेलो हेलो मनोज भाई आ जाओ आगे आगे मनोज भाई आगे आ जाओ भाई मनोज भाई मनोज भाई आ जाओ भाई मनोज भाई अरे मिला जा नीतू भाई भैया चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी आओ मनोज भैया मिल गए चलो बढ़ते आओ मनोज भैया चलो जल्दी नीतू भाई का नीतू भैया को मिले क्या राधे भाई मिल चुका है मेरे साथ है राधे भैया कहाँ है उनकी अलग टीम है उनका जो कैमरा मैन है वो है अच्छा वो उनके साथ गए हुए हैं आ जाओ भैया आ जाओ फटाफट से आ जाओ दो तीन बंदे आ जाओ भैया जल्दी आ जाओ कैमरा मैन पास पूरी दोनों मनोज लेके चले चलो दोस्तों मिल चुके सफलता मिल चुकी कोई ना कोई टीम मेंबर मिले तो मनोज मिल चुके हमें शायद और भी कोई होंगे उनको क्लियर करेंगे भी आपके सामने उन्होंने देखा जीतू भैया को देखा उन्होंने आगे आ गया फटाफट जाओ आपने देखा जीतू भैया को भैया कोई गैंग वगैरह नजर आई आपको जगह पे भाई आराम से मनोज भैया कोई भी नजर आया तो बताओ देखो यहाँ से दिख रहे वो भाई भाई मुझे नहीं पता था कि इधर से जो आवाज आ रही थी वो आपकी थी हाँ इधर दो बंदे मुझे ऐसे बांध रखा था दो तो देखो एक कोई बेहोशी की हालत में था मनोज भैया बता रहे कि कोई मुंह बांध के इधर कोई बेहोशी की हालत में था और जैसे मैं उनके पीछे भागा पता नहीं उनकी खास ट्रेनिंग ली हुई है क्या एक पलक झपकते ही गायब हो गए वो ये मुझे तो लग रहा है कि कोई आदिवासी लुटेरा गैंग है इस तरफ से देखो भाई मनोज भैया बता रहे दोस्तों कि इनको कोई दो जने मुंह बांधे हुए नकाब में नजर आए लेकिन वो पलक झपकते ही मतलब वहां से गायब हो गए भैया खुद बता रहे क्योंकि मुझे लग रहा है मनोज भैया के इनकी ट्रेनिंग ली हुई है जंगल उनका ही है तो रात दिन वो घूमते हैं सब वो एक्सपर्ट है इन चीजों में भैया उधर से कवर करते हुए आ रहे पूरी पहाड़ी कवर कर ली हम तीनों भाइयों ने पता नहीं वो पलक झपकते कहाँ गायब हो जाते हैं हम एक एरो भी देके दे रहे हैं अच्छा। ये आप एरो देना अपने हाँ। नाम का चैनल का जो भी है जो या मनोज भाई के नाम से नाम का जो जीतू भाई को अगर पता चले ना शायद हाँ। वो डर रहे हो अपने से या इनकी आवाजों से डर रहे हो तो वो अपने अपने कवर करने की कोशिश करे ये स्प्रे लेके आए हम लोग बैग में पड़ा ना स्प्रे और
वो भी निकाल के भैया को। यार मोनू भाई इस हिसाब से तो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, पता नहीं भाई किस हालत में होंगे, जिंदा भी है क्या भैया। 10 दिन से हम ढूंढ रहे हैं, आप मिले थे हमें बीच में, हम आपको निकाल कर लेके गए थे। हाँ। उसके बाद में वैसे वापस विजिट करने आए, हम बाबा साहब को लेकर आए थे बीच में। राधे भाई हम 4 बंदे साथ में थे, लेकिन राधे भाई ने कहा कि साथ में रहेंगे तो कवर कम होगा जंगल, इसलिए 2 टीमें बना के अलग अलग हुए। जबकि मुझे जानकारी मिली सूर्या भाई भी है और भी टीमें हैं शायद दोस्तों, और भी हंटेड लोग रहे जो सब भाई ढूंढ रहे यार उनको। बस आप लोग यार अच्छा कमेंट कर दिया आज मनोज भैया को, आज कम से कम ज्यादा नहीं बताऊं 12-13 दिन हो गए। मैंने एक बार मनोज भाई भटके हुए थे अंदर, तब भी इनको बाहर निकाला, रास्ता निकला गया। मनोज भैया को डॉग स्क्वाड की मदद से बाहर लेकर गए थे हम लोग दोस्तों, बहुत ही खतरनाक डेंजरस लोकेशन है। आप मनोज भाई ने जितनी मेहनत करी आज इस जितू भाई को ढूंढने में, कसम से शायद किसी भी लोगर ने नहीं करी होगी यार। खाना पीना कुछ भी नहीं है भाई ने, एक ड्रेस में सिंगल जो फंसे हुए थे जंगल में, कम से कम 7 दिन निकाले भैया ने इस जंगल में यार। मैं गया था आपका वो जो कैंप लगा हुआ था ना, हाँ उस कैंप पे गया था एक बार, वहां से लेके आया था मैं दोस्तों। बहुत ज्यादा दुर्घटना वो तो सेट, ये क्षेत्र है पूरा का पूरा ऐसा माहौल है जंगल में कि पलक झपकते ही कब कौन सा पैंथर भालू कौन सा जानवर हमला कर दे कोई क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानवर होते हैं घात लगाए बैठे हुए होते हैं, पीछे से हमला करते हैं इंसानों पे। और मनु भैया हम इस पहाड़ी पे जब आगे गए थे ना, हाँ वहाँ कुछ तंत्र क्रियाएं चट्टानों पे और एक गुफा थी उसमें पता नहीं कुछ तंत्र क्रियाएं की हुई जो पीछे साथ जहाँ पानी पी रहा था जीतू, वहाँ तो हम जाके आए थे बाबा साहब के साथ में भैया, बाबा साहब के साथ में हम जाके आए थे और हमने साधना क्रियाएं करवा के आए कि जीतू भैया अगर उस गुफा में रुकेंगे ना नाइट तो वही उनका माइंड वापस से सेटल होकर वही रुक जाएंगे वो अपने को। यार हमारी 4 जनों की टीम थी, लेकिन जब दोस्तों जहाँ हम बाबा साहब और हम लोग जो साधना करके आए थे जीतू भैया के लिए, वहाँ पे मनोज भैया जाके आ चुके और जो किए साधनाएं थे फूल भी मिलेंगे आपको, कुछ सिंदूर वगैरह मिला होगा कामाख्या माता का, वो चीज देख के हम इतना घबरा गए। नहीं 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 वो हमारे बाबा साहब ने करा था, क्या है हम घबरा गए थे यार, हम और हमारे महेश भैया बाबा साहब ही गए थे उस जगह, वो वहाँ तो हमारा बिल्कुल ऐसे हो गया। क्या हुआ है, कुछ आवाज आ रही है, देखो इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आवाज आ रही है ना, देखो जैसे लग रहा है जैसे कुछ चल रहा हो, बड़े आगे कुछ आवाज आ रही है उस तरफ से, कुछ चल रहा है मेरे हिसाब से, कुछ पत्थर है भाई। आगे हो आगे हो आगे आगे फटाफट से आगे हो जल्दी आगे हो। और मोनू भाई समझ गया जान से चौदह नहीं अपन है ना, और कोई नजर आया जंगल में कोई भेड़ बकरी चलाने वाला, एक भेड़ बकरी वाला हमें भी मिला था, वो बोल रहा है कि कोई मुंह बांधे हुए हमें भी नजर आए थे 2 आदमी, अभी मैंने पहले बताया होगा इनको। जंगल दोस्तों आप बोलते हो कि आज मनोज भाई को बिना खाने खाए पिए हुए वापस से 4 से 5 दिन हो गए, पूरी पहाड़ी पूरी अरावली पर्वतमाला है चारों तरफ से गिरी हुई, इंसानों का पैर रखना भी दुभर है, पूरे कांटे किले इतने ज्यादा वो है दोस्तों। जहाँ जितनी जरूरत हो रही है खाने की उसका बिल्कुल 1/3 हिस्सा हमें खाकर गुजारना पड़ रहा है, क्योंकि इतना स्टॉक है हमारे पास। क्योंकि रही बात खाना खाने के बाद में, हम इसको जो ये जो भी इलाका है पूरा अरावली पर्वतमाला, इसको हम चल नहीं पाते इस पत्थरों की वजह से, जो पत्थर है ना बड़े बड़े उन पे चलना नहीं होता है वजन। भाई भाई आवाज आ रही है, देखो निरंतर आवाज आ रही है, देखो भाई आवाज आ रही है, मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई है ना आगे। आवाज तो भाई देखो, आप जो भी कोई हो आगे, अगर अपने आप का भला चाहते हो, अगर अपने आप को हवाले करते हो कानून के, तो आपकी बचत है, नहीं तो आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, सारी जिम्मेदारी समय आपकी खुद की होगी। इनकाउंटर ऑर्डर निकल चुका है, हमारे मनोज भाई सूर्या भाई राधे भाई सब ढूंढ रहे हैं आपको इसी मायावी जंगल में। आप भूतिया लड़की के नाम से ये जो गोरख धंधा चला रहे हो, अपने आप को हवाले कर दो कानून के, और विनीत भैया को छोड़ दो। जीतू भाई के लिए बोलो, जीतू भाई को भी अगर है सही सलामती, जीतू भाई अगर है तो उसको सही सलामत रखे, अगर उसके बॉडी के साथ में कोई भी खिलवाड़ मिला तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होगा, ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर दिया जाएगा। देखो भैया देखो इस तरफ से रिप्लाई आ रहा है, मैं कह रहा हूँ इस तरफ से आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, जल्दी से आओ, थोड़ी सी इस तरफ से आवाज आ रही है, मैं कह रहा हूँ ना कंटिन्यू इस तरफ से आवाज आ रही है आपकी कसम, इस तरफ से आवाज आ रही है। समझ गया, ये लोग बहुत शैतान है, ये लोग बॉडी जो पार्ट होते हैं ना किडनी वगैरह लिवर उनका ये है ना वो चला रखा है इन्होंने गोरख धंधा। मेरे को भी ऐसे दिखे, मेरे को हड्डियां जली हुई मिली थी भाई। भाई देखो 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 भालू, दो जूम करके देखा भालू, देखा देखो वो जा रहा, वो जा रहा भालू, वो जा रहा है। ये देखो दोस्तों निकलने दो, निकलने दो, जाने दो उनको, जानवरों को छेड़ना नहीं है, निशान करते रहो। देखो वो जा रहा, वो देखो पानी दे रहा अपना भाई, आजो इसकी थोड़ी कांटा लग गया था भाई, अब ठीक है तेरे भाई, ध्यान रखना भाइयों का, भैया ध्यान से। मनोज भैया कांटे निकालो फटाफट से, कांटे निकालो जो भी लगे हुए भैया के, दोस्तों कैमरामैन के भी कांटे लग जाते हैं क्योंकि पूरे भाग दौड़ कर रहा है बराबर से हमारे साथ में दौड़ रहा है यार ये भाई। आगे
ठीक है निकाल दिया भाई फटाफट। मैंने बोला था ना इधर ही देखे थे मैंने भी पुलिस सायरन चलता ही गए वो पूरे पूरे इस तरफ दो तीन तरफ गिरो है मैं बोल रहा हूँ गिरो है पूरा ये पूरा गिरो है भाई। हाँ एक बार इधर देखो दोस्तों इनके अड्डे की बात कर लिया था इस जगह पे भी अगर कोई दस आदमी रहे तो कोई पता नहीं कर कोई गुफा वगैरह हो सकती है। ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मैं आ गया आ जाओ पूरे साथ में रहना कोई किसी से घात लगा के बैठो जानवर खा जाए साथ रहो साथ रहो हिम्मत भैया कपड़े से खाली नहीं जंगल में रुकना कसम से जानते जानते भैया भैया वो गुफा